नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। जमुई बिहार में बर्बादी का तांडव चल रहा है, बड़े घोटाले हो रहे हैं, शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है सरकार। बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीरेंद्र सिंह राठौर। जमुई आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रमंडल स्तरीय बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय में रखी गई थी। मौके पर पहुंचे बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर का जिला कांग्रेस कार्यालय ने जोरदार स्वागत किया गया। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर हमला बोला। तमाम दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। आज मुंगेर प्रमंडल में पड़ने वाले तमाम जिलों और उनके अंतर्गत पड़ने वाले तमाम प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्षों की आज बैठक है। विधानसभा का चुनाव सामने है, तो संगठन की समीक्षा और आने वाले दिनों में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव के अंदर जाएगी, इन तमाम मुद्दों के ऊपर प्रखंड अध्यक्ष साथियों और जिलाध्यक्ष साथियों के साथ एक व्यापक चर्चा करने के लिए आज प्रमंडलीय स्तरीय ये कार्यक्रम हमने जमुई के अंदर रखा है। आप सही कह रहे हैं, केवल नीट ही नहीं, अन्य बहुत सारी परीक्षाएं 12वीं के बाद के छात्रों की हैं, किसी के कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं, मेडिकल के एग्ज़ाम्स हैं, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की व्यवस्था जो है वो करनी बड़ी आवश्यक थी, और अन्य एग्ज़ाम्स के लेकर के कोई भी नीति सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, जिसकी वजह से भारी नुकसान। मुझे लगता है कि इस लचर नीति के चलते हुए बिहार के अंदर जो विद्यार्थी हैं उनके भविष्य के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, और कई हज़ारों के लाखों की संख्या में विद्यार्थियों का साल भी बर्बाद होने की स्थिति जो है वो बिहार के अंदर बन गई है। तो इस ओर मैं समझता हूँ कि ठोस कदम बनाए जाने चाहिए और बिहार सरकार को एक ठोस नीति के साथ बिहार की जनता के सामने आना चाहिए। अभी तक कोई ठोस नीति बनाई नहीं गई है, ना कोई सामने आया। लगातार देखिए, बिहार में बहार है ये तो जनता आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर तय करेगी, पर जहाँ तक बिहार की मैं बात करूँ, पिछले 2 वर्षों का जो मेरा अनुभव है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो दूसरी मेडिकल फैसिलिटीज़ को देने की बात हो, और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, जिस प्रकार से स्कूलों की हालत बिहार के अंदर कर दी गई है, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन तो पूर्ण रूप से बर्बादी के कगार पर मौजूदा सरकार ने मचा दी है, और शिक्षकों की मैं बात करूँ खास तौर पे, शिक्षकों के साथ भी एक बहुत बड़ा अन्याय बिहार सरकार ने किया है। तो बाहर तो कहीं नज़र नहीं आती, पर निश्चित बर्बादी का तांडव पूरे बिहार में निश्चित रूप से चल रहा है। शराबबंदी के घोटाले बहुत बड़े घोटाले हैं, और लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुकी है, किसान की कमर पूर्ण रूप से तोड़ दी गई है बिहार में। पिछले 2 वर्षों में जब से मैं बिहार को देख रहा हूँ, किसान MSP अपनी फसलों की लगातार मांग कर रहा है, परंतु 1100-1200 रुपये प्रति क्विंटल के अंदर गेहूं और धान बेचने के लिए मौजूदा नीतियों की वजह से मजबूर है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो फॉरवर्ड बैकवर्ड माइनॉरिटी दलित भाई जो किसान वर्ग से खेती करने का काम करते हैं, ये तमाम वर्ग जो हैं ये मुँह तोड़ जवाब आने वाली सरकार को देंगे, और निश्चित रूप से कांग्रेस और गठबंधन की एक मजबूत सरकार का गठन जो है बिहार में होने जा रहा है। चुनाव का जिसमें एक अभी सिकंदरा सीट पर आपका कांग्रेस का है, तो कितने सीट की मांग करेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, और जहाँ तक सीटों की बात है वो अभी हमारा बैठ करके गठबंधन के सभी साथी बैठेंगे और तय करेंगे कौन सी सीटें किस किस जिले में हमें लड़नी है, परंतु कांग्रेस पूर्ण रूप से प्रत्येक जगह तैयारी कर रहा है। महागठबंधन मजबूत है। राहुल गांधी जी ने जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री जी और पूरे देश को ये संदेश दिया था कि एक प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता है कोरोना महामारी से डील करने के लिए, परंतु विपक्ष की बात को इग्नोर किया गया और कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को अपने हालात के ऊपर पूरे देश में छोड़ने का काम NDA सरकार ने किया है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस समय मरीजों की संख्या पूरे देश में कम थी, तो बुद्धिमता किस प्रकार, बिहार की अगर मैं बात करूं, तो बिहार में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, प्लानिंग सरकार ने कोई नहीं की है, लॉकडाउन किस प्रकार।